मुस्लिम वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? जैसे कि आप लोग टाइटल पढ़ के एंड थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ ये वेडिंग डे वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो थोड़ा बहुत लेट हो गया है क्योंकि हो जाता है काम में एंड ये सब चीज़ करते करते मैनेज करते करते, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड था कुछ टाइम पहले, इसके लिए ठंड के बारे में कुछ काम भी नहीं कर पाई तो इसलिए लेट हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो जो मैंने वेडिंग मेकअप लुक सीरीज़ शेयर किया था आप लोगों के साथ, ये सेकेंड लास्ट है मेकअप लुक सीरीज़ का। तो आज मैं आप लोगों के साथ वेडिंग डे वाला लुक शेयर करने वाली हूँ। आप अपने खुद के वेडिंग पे या आपके कोई करीबी का कोई वेडिंग है, अगर आपके दोस्त का, भाई का, बहन का, किसी का भी वेडिंग है तो आप इस लुक को डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। एंड ये बंगाली काइंड ऑफ मेकअप लुक है तो इसलिए आप बंगाली किसी भी शादी फंक्शन में इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। होप करूंगी कि ये मेकअप लुक आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प होगा एंड आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये लुक शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। ओके गाइस, तो राइट नाउ आई एम ब्योर फेस। तो जब भी आप मेकअप किया करो उससे पहले अपनी फेस को अच्छे से क्लीन किया करो, फेस वॉश से, स्क्रब से। उसके बाद अपने फेस पे जितने भी फेशियल हेयर है उसे अच्छे से रिमूव करो एक अच्छे फेशियल की मदद से। मैं मंथ में 2 बार फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ। राइट नाउ मेरी फेस पे छोटे छोटे फेशियल हेयर आ गया है बट कुछ दिन बाद ही मुझे ये रिमूव करना होगा क्योंकि मेरे घर में एक और फेस से शादी है। जी हाँ, अब से आप लोगों को बहुत सारा वेडिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेगा तो स्टे ट्यून फॉर दिस। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना एंड उसके बाद में एक छोटा सा बेल बटन है उसे ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब जब भी वीडियो डालूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन जा पाए। तो मैं कहाँ थी, कहाँ से कहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। तो बात कर रही थी फेशियल हेयर को रिमूव करने की। मैं मंथ में 2 बार ही फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि अब हर वीक ही फेशियल हेयर रिमूव करो, अच्छा नहीं है अपने स्किन के लिए। बस हफ्ते में 1 बार ही यूज़ करो एंड मंथ में 2 बार यूज़ करो। 15-20 दिन के गैप में 2 बार यूज़ कर लेना, ठीक है। तो पता नहीं आज मेरा कुछ मन कर रहा है कुछ बातें करने का आप लोगों के साथ। हमेशा तो मैं तो बस आप लोगों के साथ मेकअप लुक्स ही शेयर करती हूँ एंड मेकअप ट्यूटोरियल जैसा होता है वैसा ही शेयर करती हूँ। देखो लुक्स मतलब उतना शेयर में, मतलब ट्यूटोरियल में और क्या बताऊँ आपको, तो हर चीज़ ही बताती हूँ, हर दिन ही आप सेम ही देखते हो, प्रोसेस भी सेम है, सब चीज़ भी हम सेम ही करते हैं। बस जो लुक्स इतना डिफरेंट होता है क्या, जैसा ही थोड़ा बहुत हम लोग कलर्स चेंज कर देते हैं, थोड़ा ग्लिटरी आइज कर देते हैं, कट क्रीज कर देते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसलिए लुक्स अच्छा आता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। आप भी थोड़ा बहुत लुक्स को लेके एक्सपेरिमेंट किया करो, आई एम श्योर आप लोगों का भी लुक्स बहुत अच्छा आएगा। लाइक एक्सपेरिमेंट करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अगर हम डर के मारे नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा वो सोच के हम करना ही छोड़ दे तो अच्छा नहीं आएगा ना। मेरा भी लुक्स या मेरा भी मेकअप उतना पहले अच्छा नहीं था, करते करते प्रैक्टिस करते करते घर पे प्रैक्टिस करती हूँ, आप लोगों के साथ सामने लुक्स शेयर करना पड़ता है, वो भी काइंड ऑफ एक प्रैक्टिस ही हो गया है। तो ऐसा करते करते इम्प्रूव हो गया है। तो अब तो आगे और भी अच्छा करने का सोचती हूँ कि बेटर हो जाए मेरी काम और जो भी है एडिटिंग वगैरह जो भी है। तो नए साल में आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों का कैसा जा रहा है प्लीज़ कमेंट डाउन करना। आप लोग वीडियो तो बहुत सारे देखते हो बट कोई भी कमेंट नहीं करते, कमेंट क्या करो, कमेंट करने से हम लोगों को भी अच्छा लगता है, हम लोग भी आप लोगों के बारे में जान पाते हैं। आप लोग तो हम लोगों के बारे में जान पाते हो क्योंकि हम लोग ब्लॉग शेयर करते हैं या वीडियोज़ में कुछ ना कुछ हम लोग बातें ऐसा कुछ शेयर करते हैं। बट आप जो लोग मुझे फॉलो करते हो या जो मुझे प्यार करते हो वो लोग अगर मुझे कमेंट या कुछ भी बातें नहीं करेंगे तो मैं भी आप लोगों के बारे में कैसे जानूंगी, राइट। तो पता नहीं आज क्या बातें मैं कर रही हूँ, कहाँ से कहाँ पे टॉपिक पे कौन सी बातें ले आ रही हूँ। बस मेकअप लुक भी अच्छा चल रहा है एंड यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। बीच में गाना भी चल रहा था क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं ये लिप पैलेट ढूंढ पाई, मतलब खो नहीं गया था, मतलब मिल नहीं रहा था मुझे एंड खुश इसलिए हुई थी क्योंकि ये लिप पैलेट से मैं कोई भी लिपस्टिक एज ए यूज़ नहीं करती बट मुझे बहुत सारा ब्लशर के शेड्स मिल गया था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। बट राइट नाउ मैं अभी क्रीम ब्लश की बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विंटर तो छोड़ो मुझे हमेशा ही अच्छा लगने लगेगा शायद अभी क्योंकि क्रीम ब्लशर अप्लाई करने के बाद एक जो ग्लो आता है ना, माय गॉड वो ग्लो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पूरी फेस पे सेट नहीं किया है, जहाँ जहाँ मुझे क्रीज होता है, मेरी क्रीज लाइन है वहाँ ही सेट किया है, क्योंकि ब्लश पे भी मैंने नहीं दिया क्योंकि ब्लश बहुत ग्लो कर रहा था। एंड यहाँ पे भी मैंने जो कलर क्रीम ब्लश का जो कलर था एंड वही सेम मेरा पाउडर ब्लश का भी कलर है, उससे ही मैंने दे दिया है। तो आप लोग बताना ये लुक आप लोगों को कैसा लगा है। दोनों ज्वेलरी के साथ मैंने ये लुक पेयरअप किया है। आप लोगों को कौन सा वाला ज्वेलरी के साथ अच्छा लगा है वो भी आप कमेंट डाउन करना। एंड और क्या बोलूँ बस। तो यहाँ पे आई मेकअप में चले आते हैं। एक ट्रांजिशन कलर लेके अपनी क्रीज को बिल्ड कर रही हूँ, कोई भी आप कलर से खेल सकते हो जैसे मैं पहले भी बोला था। तो ट्रांजिशन कलर में कोई भी हार्श लाइन ना लगे इसलिए मैं एक और कलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा बहुत येलो कलर से, ताकि पूरा ब्लेंडेबल सा लुक लगे। एंड यहाँ पे मैं जो एक्सेस है उसे डस्ट आउट कर रही हूँ ताकि कोई भी फॉल आउट होके मेरी बेस ख़राब ना हो। हमेशा आप जब भी आई शेडो अप्लाई करो तो ऐसे ही डस्ट आउट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आउटर वी पे बस थोड़ा बहुत प्लेस करी हूँ, ब्लेंड नहीं करी हूँ। एंड साथ ही साथ लोअर लाइन को भी ऐसे ही स्मज करी हूँ। किस किस को ये लाइक लोअर लाइन को स्मज करना अच्छा लगता है कमेंट डाउन करना, मुझे तो बेहद ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर एक क्लीन ब्रश की मदद से वो जो ग्रीन कलर है उससे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। देन रेस्ट ऑफ आईलिड को गोल्डन कलर की शिमर के मदद से अप्लाई कर रही हूँ। देन यहाँ पे आज मैं थोड़ा बहुत लूज ग्लिटर यूज़ किया है। बहुत ही सॉफ्ट सुंदर सटल सा ये ग्लिटर है, दिखने में बहुत ही चंकी वाला इफेक्ट लगेगा, बट आप अगर ठीक तरीके से अप्लाई कर लो उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा बहुत ग्लू अपने हाथ पे लेना है एंड थोड़ा करके ब्रश पे अपना ग्लू लगाना है। देन उसी ब्रश को ग्लिटर में डिप करना है, ऐसे ही करना होगा एंड लुक बहुत अच्छा आएगा। लाइक मैं उतना ज़्यादा हेवी आईज नहीं चाहती थी, लाइक बहुत ही ग्लिटरी आईज, क्योंकि मेरी ज्वेलरी हेवी है, हेयर स्टाइल हेवी है, ब्लाउज हेवी है, साड़ी हेवी है। इतना ज़्यादा हेवी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा बहुत सटल ग्लिटर अप्लाई किया। तो यहाँ पे मैंने बैक कैमरा आईब्रोज एंड आई लैशेस अप्लाई कर लिया है, क्योंकि वो कैमरे में करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। आईब्रो बोन को भी मैंने गोल्डन कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है, तो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए यहाँ पे शैम्पेन सा कलर से अपनी पूरी फेस को हाईलाइट कर रही हूँ, जहाँ जहाँ हाईलाइटर करना होता है, ब्रिज ऑफ द नोज, क्लिप पोज, चिन। एंड उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ऐसे ही ब्लेंड कर दूंगी ताकि हाइलाइटर का कोई भी हार्श लाइन या पैचेस ना लगे, पूरा लुक ब्लेंडेबल लगे। एंड यहाँ पे आज मैं रेड बोल्ड डार्क कलर एकदम ब्लडी रेड जो होता है वो कलर का लिपस्टिक वेयर किया है। तो या हेयर इज़ माई एब्सोल्यूट फाइनल फिनिश लुक। आप लोग कमेंट डाउन करना आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय।